प्रदेश में इस साल समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत 1 दिसंबर से करने का फरमान कांग्रेस सरकार ने जारी कर दिया है और इस विलंब से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की पहली समस्या अपने धान को सुरक्षित बनाए रखने की है और दूसरी समस्या पैसों की है और क्षेत्र के किसानों का आरोप है कि गांव के मजदूरों को भुगतान करने या दैनिक घरेलू उपयोगी वस्तुओं की पूर्ति गांव के व्यापारियों से थोड़ा बहुत धान बेचकर पहले हो जाता था, लेकिन इस साल कार्रवाई के डर से किराना व्यापारियों ने भी अपनी दुकानों पर हमारे दुकान में धान की खरीदी बंद है का बोर्ड लगा दिया है। धान बेच लेते रहे तो धान नहीं लेते, अब मंडी लेट हो गए, तो गाँव मन में कोई व्यापारी नहीं लेते, तो किसान आदमी कहाँ पैसा था, कार्यवाही डर में नहीं लेते, छापा पड़े बहुत परेशानी होते हम। अब अपन अपन घर में रखे है और धान बेच ही नहीं पाते, अब लोकल जो समस्या है मजदूर मन के भुगतान के लिए वो कहाँ से आदमी व्यवस्था करी कि लात रही है 2 किलो 4 किलो तेना हमान लेवत रहे हैं सिया लसुन छापा ला तो हमान ले ला बंद कर दे हैं, अब बोर्ड भी लगा दे हूँ कि मैं भाई नहीं ले सकन हम धान छापा